नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ के नजदीक गैर कानूनी तरीके से बने सिल्वर क्रस्ट हॉस्पिटल को सील करने के लिए जब नगर निगम के अधिकारी पहुंचे तो छोटे बच्चों के एडमिट होने की बात कहकर कुछ समय की मोहलत प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसके बाद अस्पताल संचालकों ने स्टे लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन न्यायालय से भी कोई राहत अस्पताल संचालकों को नहीं मिली। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, परंतु शिकायतकर्ता के वकील ने मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल संचालकों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सरकार ईमानदार है, लेकिन न जाने क्यों अधिकारी समय पर अपना काम नहीं करना चाह रहे। ऐसे में शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि वह इंसाफ लेने के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। भैया, मेरा नाम राव भगत सिंह एडवोकेट है। इन्होंने सीएम विंडो पे डाली एक आरटीआई लगाई थी। जो ये हॉस्पिटल न्यू कॉलोनी मोड पे चल रहा है, ये गैर कानूनी है। सबसे पहले हॉस्पिटल या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग अगर आप बनाओगे तो उसका कमर्शियल नक्शा पास होगा। उसके लिए एक हरियाणा सरकार ने प्रेस्क्राइब्ड फीस अंकित की हुई है, 5,000-10,000 रुपये पर गज के हिसाब से। ये 300-200 गज का जो प्लॉट है उसमें 15-20-25-30 लाख रुपए की फीस सरकारी जमा होनी होती है। उसी के हिसाब से नक्शा लगता, फिर पास होता। उसी के हिसाब से हर विभाग से एनओसी लेनी होती है। जो इसमें सारी त्रुटियां हैं, ये कोई भी नहीं ली हुई है। तो हॉस्पिटल वालों ने, सिल्वर क्रेस्टा वालों ने सिविल सूट फाइल किया, जिसमें उनको स्टे ग्रांट नहीं हुआ। स्टे ये मिला कि भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना कार्रवाई कर सकती है, नोटिस वगैरह देकर ड्यू कोर्स ऑफ जो अपने नियम के मुताबिक वो कर रहे हैं। अब या तो ये अफसर कोई मोटा हिसाब देख के अपने आप को फायदा पहुंचा के, या कोई ऊपर से किसी बड़े राजनेता के दबाव में ये कार्रवाई नहीं कर रहे। ये गए थे सील करने, फिर इन्होंने वहाँ से आगे अब जा नहीं रहे हैं। ये जानबूझ करके उनसे मिलके या किस तरीके से क्यों नहीं कर रहे, वो तो कॉरपोरेशन वाले ही बताएंगे। लेकिन कोर्ट में कोई ऐसा आदेश नहीं है कि वो सील नहीं कर सकते। उनके द्वारा दावा दायर हुआ था कि भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे हॉस्पिटल को सील ना करे, उसमें उनको स्टे ग्रांट नहीं हुआ। स्टे में जो लिखा है वो ये लिखा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नियम के मुताबिक अपनी कार्रवाई कर सकती है। उसकी इन्होंने अपील फाइल करी, इनकी अपील भी खारिज हो गई है। ये कार्रवाई कर सकते हैं, सरकार ईमानदार है। अफसर पता नहीं क्यों बेईमान हो रहे हैं, यहाँ समझ में नहीं आ रहा गुड़गावा में क्या हो रहा है। कोर्ट तो यही कहेगी कि भाई आप तोड़ सकते हो, कोर्ट ने स्टे दिया नहीं। अगर इनका नियम से बन रहा होता तो कोर्ट 100% स्टे ग्रांट करती इनके फेवर में। देखो, कोर्ट से तो न्याय 100% मिलेगा। अफसर न्याय देते हैं नहीं देते, ये कार्यपालनी और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है। कार्यपालिका जो ये चल रही है सरकार, इसमें सरकार की अपनी मर्जी है, घूस लेते हैं नहीं लेते हैं। ईमानदार अफसर होगा तो जरूर करेगा, क्योंकि सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री वगैरह। अफसर कहते हैं कि हम पैसे दे करें, वो करें ना करें वो उनकी मर्जी है, लेकिन उनके ऊपर कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि वो कार्रवाई ना करें। देखो भैया, मैं तो ये क्या कह सकता हूँ, मैं निगम का वकील भी रहा हूँ। मैंने 90% मुकदमे, 100% मुकदमे निगम के हक में जिताए भी हैं। किसी को स्टे नहीं मिला, सारी बिल्डिंगें तोड़ने के आदेश भी हुए हैं। इन्होंने वो तोड़ी नहीं तोड़ी वो तो वो ही बताएंगे। मैं इवन उमेश अग्रवाल जी ने जो कॉलोनियाँ काटी थी उनके खिलाफ मैंने केस लड़े एमसीजी की तरफ से, सब में एमसीजी को जिताया है। अब उन्होंने तोड़े नहीं तोड़े वो तो अफसर जाने और वो जाने, मैं तो क्या कह सकता हूँ। मैं ना तो उन पे मैं राजनेता हूँ, ना मैं उनका बड़ा अफसर हूँ। जो मैं कहूँ वो तो उन्होंने देखना क्या करना है। मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ, न्यू कॉलोनी में 155 नंबर में। क्या कुछ है, पूरा मामला है, क्या कहेंगे? मैंने सिल्वर का हॉस्पिटल का सीएम विंडो लगाया था 28 सितंबर को, जिसमें निगम ने कार्रवाई करते हुए 265 का नोटिस दिया था। 265 के नोटिस में इन्होंने 3 जनवरी के कार्रवाई करने के लिए गए थे निगम वाले। फिर वहाँ बताया गया कि बच्चे हैं हॉस्पिटल में, इसलिए कार्रवाई रोक दी गई। कार्रवाई में टाइम देने के बाद 2 महीने बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।